साहब बात आ जाए, ऐसे स्टंट मत करें भाई। मैंने इस क्रोकोडाइल को पकड़ लिया हुआ है, ये कहीं नहीं जाने वाला। चेक करें क्या मखलूक है, मुझे इसके नाम को तो पता नहीं है, लेकिन आप जो भी है बहुत खतरनाक है यार। ये पुल बड़ा मजबूत लग रहा है मुझे। ये सर सुभाष जी ने बनवाया। अगर उन्होंने बनाया होता तो मैंने बिल्कुल नहीं जाना। जान से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। ये रहा जी दुबई एक्वेरियम। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे और वहां पर जाके देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये है फोटो सेक्शन, यहाँ पर आप पिक्चर अपने जो आपने पीछे पिक्चर बनाई होती है वो यहाँ से पिक्चर भी आप ले सकते हैं। पॉइंट्स से शो करते हैं जो साइंस हैं कि यहाँ से हम लेवल टू की तरफ जाएंगे, तो जिधर जिधर साइंस जाते जाते हैं उधर हम चलते जाएंगे, तो ये हम लेवल टू पे चले जाएंगे। हम आ चुके हैं लेवल टू पर, यहाँ से स्टार्ट होगा लेवल टू, अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। ये मखसूस एरिया जो है वो ऑटर एग्जीबिट के लिए है, और लेकिन इस टाइम मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो सो रहे हैं। अगर आप उठने वाले नहीं है, जो मर्जी करते रहे आप जितना मर्जी खड़का है वो उठने वाले नहीं। इससे पहले लेवल पे जितनी भी फिशेस थी वो आपको ग्लास के अंदर नजर आ रही थी, हमें लग ऐसे रहा था जैसे हम वाटर में कर रहे हैं लेकिन साइड ऑफ द ग्लास थे, लेकिन यहाँ पर जो फिशेस हैं वो आपके लाइव है, आप लाइव देख सकते हैं। और अगर मैंने ऐसे किया तो मतलब मेरी ये मिलिया कहीं खा दे। नहीं भाई, ये फिश तो रेड और व्हाइट नजर आ रही है यार, बिल्कुल मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता यार। ये मैं देर से देख रहा हूँ, ये एक तरफ बैक साइड से एक तरफ जो है वो रेड है, उस तरफ से बिल्कुल व्हाइट है, और ये इस तरह की है कि एक तरफ से आप देखेंगे उस तरफ से भी आपको नजर आएगा। इसे मेरा जाने तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये देखें येलो, ये येलो फिश है, और ये आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी बड़ी प्यारी है। ये है पेंगुइन, लेकिन ये है सैंपल के तौर पे, ये ओरिजिनल नहीं है ना ही लाइव है। लाइव अगर देखनी है तभी हम वहाँ पे जाते हैं। मैंने इस तरह के मेंढक, ये प्योर ब्लैक मेंढक है और उनके ऊपर किसी किस्म की खाल भी नहीं है, इस तरह के मेंढक मैंने अपनी जिंदगी में देखे। आप जो देखे हैं प्योर आपको ब्लैक नजर आएंगे। भाई किधर जा रहे हैं लोग, किधर वो देखे सलीम साहब जो है दरख के बिल्कुल नीचे आके बैठ गए। भैया अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये वाली फिश नहीं है, आप इस बराबर कह रहे फिश नहीं है, ये चेक करें आप, ये ऐसे लगता है ऐसे है जैसे ये पत्थर पड़े हुए हैं या ये दरख्त उगा हुआ है, लेकिन ये फिश है और ये चलती है अभी। अरे कहना क्या चाहते हो, टच करेंगे तो चलेंगी ये वाली। चौधरी साहब बात आ जाए, ऐसे स्टंट मत करें। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई मैंने इस क्रोकोडाइल को पकड़ लिया हुआ है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। अरे अगर उठ गया है ना चोर साहब, आपको अच्छी तरह से जो है उठ गया, अगर उठ गया तो आपके 14 दफा क्रोशन कर देगा। उठ गया, उठ गया, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है चोर साहब, क्या देख रहे हैं अंदर। भाई मैं क्रोकोडाइल देख रहा हूँ और साथ छोटी फिश जो चल रही है उनको देख रहा हूँ। आप छोटा थोड़ा अंदर जाए, पहले तो आप वहाँ भी उसके ऊपर बड़े स्टंट मार रहे थे यार, खुदा आगे खौफ करे। आप देख रहे हैं इतने बड़े हैं भाई, मैं एक दफा हिम्मत दिखा सकता हूँ, पीछे मैंने हिम्मत दिखा ली है। अब आपको क्या लगता है कि जो जेन्युइन है मैं उनके पास जाऊँ और फिर वापस ना आऊँ? मतलब आप नहीं चाह रहे कि मैं आपके साथ वापस जाऊँ? मैं चाहते हैं मैं यहाँ दुबई में मेरी कब्र बनाऊँ।
यार भाई मैं वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, आप देखने रास्ता देंगे जरा? सर बिल्कुल जाए जाए, माशाल्लाह आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं। आपकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से सलीम साहब वहाँ पे चले जाएंगे। करता है तू चीटिंग 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 करता है तू। हम तो आपको भेजना चाहते हैं, आप एक बार उनके ये देखें गाइस, ये जो है ओरिजिनल क्रोकोडाइल है, ठीक है। अब चौधरी साहब को हम बोल रहे हैं कि इनके साथ थोड़ी आके मस्ती करें, लेकिन चौधरी साहब हमारी बात नहीं मान रहे। अब भाई ये चेक करें क्या मखलूक है, मुझे इसके नाम को तो पता नहीं है, लेकिन आप जो भी है बहुत खतरनाक। चुट साहब अंधेरे में किधर जा रहे हैं? यार मैं जो भी यहाँ पे चीज़ उसको देखना चाह रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रहे हो? ये सांप है भाई, ये सांप आप देख रहे हैं, लेकिन रेड किस्म का सांप है। आगे किधर जा रहे हैं मियाँ साहब? आगे तो फुल अंधेरा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई जी, आगे भी है आप सीखने वाले। मुझे तो डर लग रहा है। सलीम भाई किधर जा रहे हैं? ये पुल है, इस पुल को क्रॉस करना चाह रहा हूँ। ये तो बहुत हिल रहा है पुल सर, ना जाए ना जाए। यार ये पुल बड़ा मजबूत लग रहा है मुझे। ये सर शिवाज शरीफ ने बनवाया। अगर उन्होंने बनाया होता तो मैंने बिल्कुल नहीं जाना। चुट साहब ध्यान से ध्यान से। चुट साहब ध्यान से। ये कदम तो आगे देखने में बिल्कुल इजी लग रहा है। आप मुझे कह रहे थे काफी जल्दी जाना यार। आप मुझे फिर वहां नहीं, आप सुबह से जो है खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। इसके बारे में यार तुमने दर्द तो शुरू हो गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यहां का जो सही एक्सपीरियंस है ना वो ये पुल वाला है। पुल इस पुल में इतनी लचक है कि आपको लग रहा होता है कि आप नीचे गए, नीचे जाके फिर आप ऊपर आ जाते हैं। लेकिन काफी स्ट्रांग बनाया हुआ है, आप जैसे नीचे जाते हैं फिर आप ऊपर आ जाते हैं, तो ये बड़ी वैसे मजेदार चीज है। देखे थे वो पानी के गिलास के अंदर पीछे हम आपको दिखा रहे थे, ये हम अब उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे ये आप देखे लाइव जो है आप उनको टच भी कर सकते हैं पीछे। ये जी देखें चोट साहब ने तो अभी फूड मिला है, ये फिश का, ये फिश को हम अगर खाएंगे ये वाला जो भी यहाँ पर रहता है उसको ये फूड। नीम साहब अभी आपस में नियाज व्याज की बातें करते हुए, यार ये मिरर लगा हुआ बीच में बटना, मैं इसको खाना खिलाता यार। हमारा भी लोग आपको पसंद आया हो तो ये हमारा सा मिशन है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह जी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।